हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल टोटल मैथ्स में। आज पढ़ेंगे बेटा हम सारणिक। चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी का है सारणिक, अर्थात डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स या सारणिक 5 नंबर कैरी करता है एग्जाम में, बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से पूछा जाता है। ये चैप्टर आव्यू से मिलता जुलता है, ठीक है, बहुत आसान है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा सारणिक या डिटरमिनेंट्स। सारणिक, सारणिक बेटा देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये आव्यू से मिलता जुलता टॉपिक है, ठीक है। आव्यू को हम बड़े ब्रैकेट से दर्शाते थे, सारणिक को दो डंडों से या इस प्रकार से हम दर्शाते हैं। जैसे इसमें मान लो अवयव है 2, 3, 5, 7 और यहाँ हो गया 2, 3, 5, 7। अब ये अवयव है और ये सारणिक है। अवयव एक क्रम है या व्यवस्थित संख्याओं का व्यवस्थित क्रम, ठीक है। सारणिक एक संख्यात्मक मान है। तो सारणिक क्या होता है बेटा, एक संख्यात्मक मान होता है, अद्वितीय संख्यात्मक मान, ठीक है। आव्यू एक क्रम है, सिर्फ एक व्यवस्थित तरीका है संख्याओं को जमाने का, जबकि ये उसका हल है, सॉल्यूशन है। आव्यू को हम ब्रैकेट के द्वारा दर्शाते हैं, सारणिक को दो खड़ी लाइन के बीच में या साथ कह सकते हैं, जैसे मोड़ का साइन लगाते हैं तो मोड़ के अंदर, बट एक्चुअली ये मोड़ होता नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों को दर्शाने का तरीका है। अब बात करते हैं बेटा सारणिक है क्या। यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है तब सारणिक, सारणिक एक अद्वितीय अद्वितीय संख्या होती है। ठीक है, सारणिक सदैव वर्ग आव्यूह का ही ज्ञात किया जा सकता है, जबकि आव्यूह कोई भी क्रम का हो सकता है, ठीक है। बट हम जब सारणिक फाइंड आउट करेंगे या सारणिक ज्ञात करेंगे तो वह कैसा होना चाहिए, सिर्फ वर्ग आव्यूह, अर्थात उसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है। हम उसका मगर सारणिक निकालना चाहते हैं तो आव्यूह में पंक्ति और स्तंभों की संख्या सेम होनी चाहिए, अर्थात वर्ग आव्यूह ही सारणिक, वर्ग आव्यूह का ही हम सारणिक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे ये हमारा एक सारणिक है 2, 3, 5, 7 आव्यूह, सॉरी वर्ग आव्यूह है ये। अब इसका हमें सारणिक ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बेटा, सारणिक। ये जैसे ए हो गया तो इसको हम सारणिक के रूप में लिखेंगे, ए 2, 3, 5, 7, ठीक है। सारणिक में व्यक्त कर दिया, दर्शा दिया दो डंडों से या दो लाइनों से, खड़ी लाइनों से हम उनको दर्शाते हैं। तो यही चीज हम इधर भी करेंगे। अब ये तो आव्यूह ए था और ये क्या हो गया, सारणिक ए। अब हम इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं। जब भी सारणिक का मान ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं बेटा, अग्र विकर्ण के गुण अवयवों का गुणनफल करते हैं और उसमें पिछले विकर्ण, पिछले विकर्ण के अवयवों का गुणन करके उसमें से माइनस कर देते हैं। जैसे 7 दूनी ये हो गया 14 और ये हो जाएगा 5 तिया 15। तो हमारे पास कितना आ गया बेटा, 7 दूनी 14, 5 तिया 15 माइनस का 1। तो इसका सारणिक, ए का सारणिक क्या आया, -1, ठीक है। आव्यूह ए का सारणिक -1। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बेटा, सारणिक एक संख्यात्मक मान होता है, ठीक है। कोई भी एक संख्या होगी, ठीक है, यानी कि ये कह सकते हैं इसका हल है ये -1, जो क्या है, सारणिक है, ठीक है। तो सारणिक समझ में आ गया, सारणिक एक संख्यात्मक मान है और आव्यूह संख्याओं का एक व्यवस्थित क्रम है, ठीक है। सारणिक सदैव हम एक वर्ग का ही, आव्यूह का ही निकाल सकते हैं, कोई दूसरे क्रम का हम सारणिक ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक। अब आगे देखो, सारणिक को
ऐसे या डेल्टा या डीईटी ए, इस टाइप से हम दर्शा सकते हैं। अगर कोई ए ऑब्व्यू है हमें उसका सारणिक ज्ञात करना है तो उसको ऐसे लिखेंगे, या डिटर्मिनेंट ए, इसको छोड़ो, डिटर्मिनेंट ए द्वारा हम उसको व्यक्त करते हैं। ठीक है, ए तो सारणिक ए होगा। ठीक है, और अगर खाली आपको दे दिया जाए 1, 3, 5, 7 हल कीजिए, तो बेटा हम इसको सदैव डेल्टा से व्यक्त करते हैं। किससे? डेल्टा से। तो ये हो जाएगा 1, 3, 5, 7। तो ये तो हो गया बेटा, डेल्टा से व्यक्त करेंगे इसको। और अगर आव्यू दे रखा है तो आव्यू को हम क्या करते हैं, दो खड़ी लाइनों के बीच में उसका नाम लिख देते हैं। तो ये हो गया सारणिक ए। ठीक, यहाँ पर बी होता तो हम क्या करते, बी कर देते, परंतु अगर यहाँ दे ये दे रखा है तो इसको हम क्या करेंगे, डेल्टा। दूसरा कोई अगर दे रखा है 5, 3, 2, 1 तो इसको हम लिख देंगे डेल्टा, जैसे 1 हो गया, डेल्टा 2 हो गया। अगर 2-3 सारणिक दे रखे हैं तो उनको डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं। और आव्यू में है तो ए बी सी। ठीक है, आप जानते ही हो आव्यू को हम कैसे व्यक्त करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से, और सारणिक को डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इस टाइप से व्यक्त करेंगे। ठीक है ना, अब आते हैं बेटा कि वर्ग है तो कोई भी क्रम हो सकता है, 2 कोटि का भी वर्ग हो सकता है, 1 कोटि का भी वर्ग हो सकता है, 3 कोटि का भी वर्ग हो सकता है। अब उनको हल कैसे करेंगे? ठीक है, अगर 2 कोटि का है तो अग्रविकर्ण का गुणनफल माइनस पश्चविकर्ण का गुणनफल आंसर आ जाएगा। इसी टाइप से अगर 1 कोटि का है वर्गाव्यूह है तो कैसे सॉल्व करेंगे, 3 कोटि का है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं आगे। अब देखो सारणिक का मान, मान कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, यदि फर्स्ट है, यदि यदि एक क्रम का सारणिक है, एक क्रम का मतलब ठीक है, यदि एक क्रम का कोई भी, इसके पंक्ति और स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 × 1, इसका मतलब है इसका क्रम कितना है, 1। अगर एक क्रम का कोई आव्यूह है या सारणिक है उसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो जो भी संख्या होगी एक क्रम के आव्यूह में या सारणिक में, जो संख्या दे रखी है या जो अवयव है वही उसका मान होता है, तो इसका मान आएगा 2। ठीक है, ऐसे ही ए माइनस के 5, इसका अगर हमें सारणिक ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा माइनस का 5, वही मान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बेटा एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि हम कई बार इसको मॉडुलस पढ़ लेते हैं या मापांक पढ़ लेते हैं, जो मॉडुलस और मापांक होगा तो ये माइनस माइनस 5 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये ना तो मॉडुलस है ना मापांक है, ये सिर्फ एक संकेतक है कि हम सारणिक ए को इस संकेत से व्यक्त करेंगे और मान क्या होगा उसका, जो उसके अंदर संख्या अवेलेबल होगी या विद्यमान होगी वही संख्या उसका मान होता है। एक क्रम के आव्यूह का मान अगर हमें निकालना है या एक क्रम के सारणिक का मान ज्ञात करना है तो उसका मान वही संख्या होती है जो उसमें विद्यमान है या दे रखी है। ठीक है, इसके बाद 2 क्रम का यदि 2 क्रम का आव्यूह है या सारणिक है ठीक है, 2 क्रम का मतलब हो गया बेटा जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या हो, 2 हो। ठीक है, जैसे 1, 3, 2 कुछ भी हो सकता है, पंक्तियां कितनी हैं, 2, स्तंभ कितने हैं, 2, तो 2 × 2 हो गया।
अब हमें इसका सारणिक ज्ञात करना है, तो सारणिक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना बेटा, इसको सारणिक के फॉर्मेट में लिखना है, 1, 3, 2, 3, ठीक है। दो क्रम का सारणिक या दो कोटि के सारणिक को हल करने के लिए अग्रविकर्ण माइनस पश्चविकर्ण, अग्रविकर्ण हो गया 3 × 1, 3, पश्चविकर्ण 3 × 2 = 6, तो माइनस का 6, तो इसका मान आ गया बेटा माइनस का 3, ठीक है। और देखो एग्जांपल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका अगर हमें सारणिक ज्ञात करना है, अग्रविकर्ण, अब अग्रविकर्ण देखो -1 - 1, तो कितना हो गया बेटा -1, ठीक है, माइनस इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल कितना आ रहा है, -5 और -3, 5 × 3 = 15, तो ओवरऑल हो जाएगा -16, ठीक है। तो अग्रविकर्ण में से हमें माइनस करना है पिछले विकर्ण के अवयवों का गुणनफल, तो ये आ गया बेटा दो कोटि का सारणिक। अब इसके बाद आता है तीन कोटि का या तीन क्रम का सारणिक, जो मेन हमारा है, ठीक है। तीन क्रम का सारणिक हम कैसे ज्ञात करते हैं, देखो तीसरा है, यदि सारणिक तीन क्रम का है, ठीक है। तीन क्रम का मतलब हो गया बेटा जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या कितनी है, 3 है, उसे हम तीन क्रम का या तृतीय क्रम का सारणिक कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल, ये हमारा कोई आव्यूह है, हमें इसका सारणिक ज्ञात करना है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको सारणिक के रूप फॉर्मेट में लिखेंगे, 2, 1, 1, -1, 3, 4, 5, 1, 2, ये आ गया, ठीक है। तृतीय क्रम के सारणिक में बेटा ध्यान रखने वाली बात है कि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुसार हमें उसका क्या करना होता है, प्रसार करना होता है या विस्तार करना होता है। अब कैसे करते हैं, यदि हम R1 के अनुसार प्रसार कर रहे हैं, ठीक है, R1 के अनुदिश प्रसार कर रहे हैं, तो R1 के जो अवयव हैं, R1 का जो अवयव है उनको छोड़कर बाकी के अवयवों को हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। जैसे अब देखो दो के लिए, दो, अब जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उसको छोड़ दो, ठीक है। तो दो पहली पंक्ति में है, पहले स्तंभ में, इसको छोड़ दिया तो हमारे पास क्या बचा, 3, 4, 1, 2, उपसारणिक बना लिया इसका हमने, ठीक है। पहली पंक्ति है तो पहली पंक्ति के अवयवों का हम क्या बना लेंगे, उपसारणिक, और जो उसका मान होगा उसको अवयवों से इंटू कर देंगे, इंटू करने पर जो आंसर आएगा वही हमारा इसका क्या होगा, आंसर आएगा मेन, ठीक है। तो अब देखो दो दे रखा है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ में दे रखा है, इसको छोड़ दिया, क्या बचा, 3, 4, 1, 2, ठीक है। अब उसके बाद अगला अवयव आ गया -1, अब माइनस क्यों लिया इसका भी बताते हैं, पहले इसका उपसारणिक बना लेते हैं। तो एक कौन सी पंक्ति में है, पहली में, कौन से स्तंभ में, दूसरे में, तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ दो, क्या बचा हमारे पास, -1, इधर 4 बच गया, इधर 5 बच गया, इधर 2 बच गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ अगले पर, +1, अब कौन सी पंक्ति में है, पहली में, स्तंभ कौन सा, तीसरा, तो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ दो, बाकी क्या बचा हमारे पास, -1, 3, 5, 1, ये आ गया, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना है, दो, ये कौन सा बन गया बेटा, दो क्रम का सारणिक बन गया। अब दो क्रम का सारणिक हम अभी पढ़ चुके हैं, क्या करते हैं, अग्रविकर्ण माइनस पश्चविकर्ण, तो अग्रविकर्ण 3 × 6, पश्चविकर्ण -4, -1, अग्रविकर्ण -2, पश्चविकर्ण 5 × 20, +1, अग्रविकर्ण -1, पश्चविकर्ण 5 × 15, ठीक है। अब कैलकुलेट कर दो कितना बच गया यहाँ पर, 2, 2 × 4, माइनस यहाँ कितना बच गया बेटा, 20 और 2 = 22, माइनस माइनस प्लस, यहाँ बेटा बच गया 15 और 1 = 16, तो माइनस के 16, 22 और 4 = 26, 26 में से 16 गए, कितने बच गए बेटा, 10।
तो सारणिक ए का मान कितना आ गया 10। ठीक है, अब देखो ये माइनस कैसे आया, जब हम अवयवों को लिखते हैं बेटा तो उनके चिन्ह एकांतर क्रम में प्लस माइनस इस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो दो से स्टार्ट किया तो प्लस माइनस प्लस माइनस इस प्रकार से आएंगे। अब जैसे दो के लिए लिखना था तो दो के लिए साइन कौन सा है हमारा प्लस, ठीक है, दूसरे के लिए यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा तो इसलिए माइनस लगा दिया, इसके लिए क्या आएगा प्लस। तो चिन्हों को बेटा हम कैसे लिखते हैं एकांतर क्रम में प्लस माइनस इस प्रकार से। अब यहाँ प्लस आ गया और इसके लिए आएगा तो कैसा आएगा नेगेटिव आएगा, इसके लिए कैसा आएगा प्लस माइनस फिर माइनस और यहाँ प्लस फिर माइनस और ये प्लस, इस प्रकार से चिन्ह लिखे जाते हैं। जिस अवयव के लिए जो चिन्ह आ रहा वो हम पहले लगा देते हैं। अगर देखो यहाँ पर माइनस है और एक अवयव में माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो अलग बात है, बट चिन्ह कौन सा आया हमारा माइनस। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया ना अवयवों के लिए चिन्ह कैसे लगाते हैं प्लस माइनस एकांतर क्रम में। ठीक है, और जिस पंक्ति या स्तंभ के लिए हम प्रसार कर रहे हैं उस पंक्ति के अवयवों को छोड़कर बाकी अवयवों को लिखकर हम उपसारणिक बना लेते हैं और उपसारणिक को सॉल्व कर उससे गुणा कर देते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा तृतीय क्रम के सारणिक का मान आ जाएगा। और देखो बेटा मान किसी भी पंक्ति के अनुदिश प्रसार करो या किसी भी स्तंभ के अनुदिश प्रसार करो मान सदैव अद्वितीय आता है यानी कि समान आएगा। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर किसके अनुदिश प्रसार किया है पहली पंक्ति के अनुसार, अब अगर इसी को मैं दूसरी पंक्ति के अनुसार करता हूँ तो भी हमारा आंसर क्या आएगा सेम आएगा। दूसरी पंक्ति के अनुसार देखो माइनस एक और चिन्ह पहले से क्या है हमारा माइनस, इस अवयव के लिए क्या आ रहा है माइनस और इसका उपसारणिक बना दो तो इसको छोड़ देंगे कौन से में ये दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति छोड़ दो पहला स्तंभ छोड़ दो, क्या बचा हमारे पास एक 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 दो, फिर अगला अवयव कौन सा आ रहा है तीन, तीन के लिए चिन्ह कैसा है प्लस, अब कौन सी पंक्ति में दूसरी में कौन सा स्तंभ है दूसरा, इसको छोड़ दो क्या बचा दो एक पाँच दो, दो एक पाँच दो। ठीक है, अब अगला अवयव कौन सा आ रहा है चार, चार के लिए चिन्ह कैसा है माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो क्या बचा हमारे पास दो एक पाँच एक आ गया। अब इसका हम सॉल्व प्रसार कर देंगे कैलकुलेशन कर देंगे तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, अग्रविकर्ण माइनस पार्श्वविकर्ण दो माइनस एक प्लस तीन, दो दून चार माइनस पाँच, इधर माइनस के चार ये आ जाएगा दो एकम दो और माइनस का पाँच, कैलकुलेट किया एक यहाँ करेंगे बेटा कितना बच गया यहाँ पर माइनस का एक और ये माइनस का तीन हो गया, इधर बेटा कितना बच गया यहाँ से तीन और माइनस का माइनस माइनस प्लस चार दिया बारह, बारह और एक तेरह, तेरह में से माइनस तीन गए कितने बच गए दस, आंसर देखो सेम आ रहा है। तो किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदिश अगर हम उसका विस्तार करते हैं या प्रसार करते हैं तो सारणिक का मान समान आता है। ठीक है, चाहे पहली पंक्ति के अनुदिश कर लो या दूसरी के कर लो या तीसरी के या ऐसी इसी टाइप से स्तंभों, बस चिन्हों का ध्यान रखना कि हमें वो अवयवों के लिए चिन्ह कैसे लगाने हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। दूसरी चीज कि जैसे ये हमारा अवयव कौन सा था, इसके अलावा आप चिन्हों को याद रखने का दूसरा तरीका भी है, जैसे ये हमारा अवयव कौन सा है दो, दो यानी कि इसका एड्रेस क्या है ए ग्यारह है, तो ग्यारह में आई का मान एक जे का मान एक, आई प्लस जे यदि आई प्लस जे का योग सम है तो प्लस आएगा और यदि आई प्लस जे बराबर क्या है विषम है तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। वैसे तो आप याद रखने का तरीका सबसे बढ़िया है प्लस माइनस इस प्रकार से कोई भी अवयव है उसके लिए चिन्ह। अब जैसे हमें इस तीसरी पंक्ति के अनुदिश प्रसार करना है, ठीक है, मान लो हमें तीसरी पंक्ति के अनुदिश प्रसार करना है तो पाँच, पाँच के लिए क्या आएगा प्लस आएगा, एक के लिए क्या आएगा माइनस आएगा पहले और दो के लिए क्या आएगा पहले प्लस और बाकी उपसारणिक हल करने पर उनका गुणा कर दो। इस प्रकार से तृतीय क्रम के सारणिक को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आ गई। देखो सारोश्चित्र द्वारा सारणिक का हल
अगर तृतीय क्रम का सारणिक है हम उसको सारुस चित्र द्वारा भी हल कर सकते हैं। जैसे आपको कोई सारणिक दे रखा है 2, 3, 5, 1, 4, 7, 2 - 1, 3, 4 तृतीय क्रम का सारणिक है, ठीक है, इसे हमें हल करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे बेटा, तीन स्तंभ हैं इसके साथ पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ, इनको आप बाहर के रूप में लिख लो, 2, 1, - इनको बाहर लिख लो, फिर 3, 7 और 3। जो पहला स्तंभ है और दूसरा स्तंभ है उसे हम क्या लिख लेंगे बेटा, सारणिक के बाहर लिख देंगे। अब विकर्ण हमें क्या देखना बेटा, विकर्ण, तो यहां पहला जो विकर्ण बन रहा है हमारा तीन अवयवों का वो ये है, ये बन गया। दूसरा जो विकर्ण बन रहा है वो हमारा ये है, ये हो गया। तीसरा जो विकर्ण बन रहा है वो हमारा ये है, ठीक है। अग्र विकर्ण बन गए, ये होते हैं अग्र विकर्ण। अब पश्च विकर्ण या पिछले विकर्ण वो भी देखो, एक ये होगा हमारा, दूसरा अवयव ये होगा हमारा दूसरा विकर्ण, तीसरा विकर्ण होगा बेटा हमारा ये 4 से लेके 1 और 3 इस टाइप से, ठीक है, तीन विकर्ण हो गए। अब अग्र विकर्ण माइनस पश्च विकर्ण, ठीक है, अग्र विकर्ण के अनुसार देखो, पहला ये है तो इनका इंटू कर दो, 7, 7 × 14, 14 × 4, 28, 28 = 56, ठीक है। अग्र विकर्ण के अवयवों का गुणनफल प्लस दूसरे में आ जाओ, 3 × 6 और माइनस का 1 से करेंगे तो माइनस का 6। तीसरा विकर्ण कौन सा है, 5, 1, 3, तो इसका इंटू करेंगे, 5 × 5, 5 × 3 = 15, तो +15। अग्र विकर्ण तीनों का इंटू करके हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया माइनस। अब पिछले विकर्ण देखो, पिछले विकर्ण कौन कौन से, एक तो ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, तो इसमें का इंटू करेंगे, 7 - 1 - 7 हो गया, 7 × 5 = 35, इसका मतलब -35। इधर 3, 3 × 6 और 6 × 12, +12, इसमें माइनस नहीं है। तीसरा विकर्ण देखो, 4 × 1 × 3, 4 × 12, ये भी 12 हो गए, ठीक है। अग्र विकर्ण, तीनों अग्र विकर्ण के अवयवों का इंटू करो और उनको ऐड कर दो, माइनस जितने भी पिछले विकर्ण हैं उनके अवयव गुणा करो और ऐड कर दो। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर देखो कितना बचा, 56 और 15 = 71 हो गए, ठीक है, 56 और 15 = 71, और माइनस के 6, 71 में से 6 गए तो 65। इधर 12 × 24, 24 और यहां है 35, 35 में से 24 गए 11 माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस। अब ये हो गया आपका 76, तो ये आपका आंसर आ गया सारणिक का मान, ठीक है, तृतीय क्रम के सारणिक का मान कितना आया, 76 आया। अगर हम इस तरीके से नहीं निकालते तो दूसरा तरीका क्या करते, पंक्ति के अनुसार, किसी भी पंक्ति के अनुसार, ठीक है, हम उसका प्रसार करते और जो प्रसार करने पर आंसर आता वो सेम यही होता। अब प्रसार करके एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई में यही आ रहा है, तो R1 के अनुसार प्रसार, तो देखो बेटा R1 के अनुसार पहली पंक्ति में कौन कौन से अवयव हैं, 2, 3, 5, तो 2, अब 2 का चिन्ह हम जानते हैं कहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्लस, तो इसके लिए क्या आएगा, प्लस आएगा, और उपसारणिक लिख दो, उपसारणिक पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, क्या बचा, 7, 2, 3, 4, तो 7, 2, 3, 4। फिर दूसरा अवयव कौन सा है, 3, 3 के लिए क्या आएगा, माइनस, प्लस माइनस प्लस इस प्रकार से चलते हैं, तो बीच वाले के लिए क्या आ रहा है, माइनस, तो -3 चिन्ह लगा दिया, और इसका उपसारणिक, उपसारणिक इस स्तंभ को छोड़ दो, इस पंक्ति को छोड़ दो, क्या बचा हमारे पास बेटा, 1, 2, -1, 4, ठीक है। जिस अवयव के लिए हम उपसारणिक लिख रहे हैं उस पंक्ति को और उस स्तंभ को छोड़ देते हैं, और शेष बेटा 4 अवयव बचे वो हमने लिख दिए। अब 5 के लिए प्लस चिन्ह आएगा, तो इसको लिख दो, 1, 7 - 1, 3 आ गया। अब कैलकुलेट करते हैं, देखो 2, 7 × 28 - 3 × 6 - 3 = 4,
इसका इंटू करेंगे बेटा कितना आ गया, माइनस का दो, और एक फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अग्रविकर्ण माइनस पार्श्व विकर्ण, तो माइनस और पिछले अग्रविकर्ण का गुणनफल कितना आ रहा है, माइनस दो, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस पांच, इधर हो गया तीन एकम तीन, और ये भी प्लस का कितना हो जाएगा, सात। अब आप कैलकुलेट कर दो, 28 में से 6 गए बेटा 22, 22 दूनी 44, यहाँ बेटा बच गए 4 दून और 2 6, 6 इंटू 3 करेंगे माइनस का 18, इधर बेटा 7 और 3 कितने हो गए 10, 10 में इंटू करेंगे 5 से 50, ठीक है। अब देखो 50 और 44 कितने हो गए 94 में से 94 में से हमें क्या करना है, 18 को माइनस करना है, जब 94 में से 18 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 76, आ गया सेम आंसर। तो सारुश्चित्र से बनाओ चाहे ऐसे करो, सारणिक का मान सदैव क्या रहेगा, अद्वितीय रहेगा, यानी एक जैसा रहेगा, अपरिवर्तित, ठीक बेटा। तो समझ में आ गया ना, सारुश्चित्र द्वारा भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और प्रसार द्वारा तो सॉल्व कर आता ही है, ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बेटा देखो, आव्यू एवं सारणिक में अंतर, ठीक है, आव्यू एवं सारणिक में अंतर। पहला अंतर है बेटा, आव्यू किसी भी क्रम का हो सकता है, ठीक है, आव्यूह किसी भी क्रम का हो सकता है, जबकि सारणिक सदैव वर्ग कोटि का होता है, ठीक है, सारणी कैसा होता है, वर्ग कोटि का। दूसरा, आव्यूह एक व्यवस्थित क्रम है, जबकि सारणिक एक संख्यात्मक मान है, ठीक है, सारणिक क्या है, एक संख्या है। तीसरा, आव्यूह में पंक्ति तथा स्तंभ बदलने पर नया आव्यूह प्राप्त होता है, जबकि सारणिक में पंक्ति व स्तंभ को परस्पर बदलने से सारणिक का मान अपरिवर्तित होता है, अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। इसका मतलब बेटा कि आव्यूह में अगर हम पंक्ति और स्तंभों को बदलेंगे, परस्पर पंक्ति और स्तंभों को अगर हम बदल देते हैं तो क्या बन जाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, अर्थात परिवर्ताव्यूह। परंतु यहां अगर हम बदलते हैं पंक्ति और स्तंभों को आपस में, तो उसका मान क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, अर्थात उसका मान जो पहले था वही मान उसका बाद में भी रहेगा, ठीक है। आव्यूह एक क्या है, व्यवस्थित क्रम है, उसमें संख्याओं को बेटा हम क्या करते हैं, जमाते हैं पंक्ति और स्तंभ के रूप में, ठीक है, जबकि सारणिक क्या, एक संख्या है, सारणिक को तो हमें हल करना होता है, ठीक है, तो हल करने के बाद क्या आएगी, कोई ना कोई एक संख्या आएगी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव कोई भी हो, पर होगी तो संख्या, इसका मतलब संख्यात्मक मान होता है सदैव। आव्यूह किसी भी क्रम का हो सकता है, जबकि सारणिक में सदैव पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होती है, समान होती है, ठीक है, समझ में आ गया बेटा, आव्यूह और सारणिक में डिफरेंस। अब इसके बाद एक्सरसाइज पढ़ते हैं 4.1, 4.1 में सिर्फ आपको सारणिक का मान ज्ञात करना है, कैसे करना है वो दिया गया है,
ठीक है, तो हम 4.1 पढ़ते हैं, इस पर ही बेस्ड क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको सारणिक का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आप जो नहीं दे रखा है, सारणिक दे रखा है, तो सारणिक को किससे व्यक्त करेंगे, डेल्टा से, और सारणिक दे रखा है 2, 4, -5, -1, ठीक है। 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में है बेटा कि निम्नलिखित का सारणिक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सारणिक दिया है यहाँ पर, आव्यूह नहीं है, अगर आव्यूह होता तो बड़े ब्रैकेट के अंदर होता और उसमें बाहर नाम दे रखा होता ए बी या सी कुछ भी, ठीक है। ये आव्यूह नहीं है, ये क्या है, सारणिक है, ठीक है। तो सारणिक को किससे व्यक्त करते हैं, हम डेल्टा से। अब कितने क्रम का सारणिक है, दो क्रम का सारणिक है, और दो क्रम के सारणिक को कैसे हल करते हैं, अग्रविकर्ण माइनस पिछले विकर्ण के गुणनफल। तो डेल्टा इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस, तो है ही ऑलरेडी। अब पिछले विकर्ण का गुणनफल कितना आ रहा है, 5 × 20, कौन सा, माइनस का, तो ऑलरेडी एक माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 20। अब 20 में से 2 घटा दिया तो डेल्टा इक्वल टू 18, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसी टाइप इसी में सेकंड है क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे का फर्स्ट दे रखा है बेटा, इसमें हमें सारणिक का मान ज्ञात करना है, डेल्टा इक्वल टू क्या दे रखा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, ये है दो क्रम का सारणिक है, सेम जैसे हमने ऊपर किया, अग्रविकर्ण माइनस पश्चविकर्ण, तो अग्रविकर्ण करेंगे बेटा कॉस का, एक कॉस इनटू किया कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस इन दोनों का इनटू किया तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस साइन स्क्वायर, तो माइनस साइन स्क्वायर और एक माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा हम जानते हैं क्या होता है, 1, तो डेल्टा इक्वल टू कितना आ गया आपका, 1, ये हमारा आंसर आ गया। इसी में सेकंड है, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 में ही सेकंड पार्ट दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, और नीचे दे रखा है एक मिनट, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, ठीक है बेटा, ये दे रखा है, इसमें संख्या नहीं दे रखी है, क्या दे रखा है, x के रूप में दे रखा है, कोई बात नहीं, हमें तो फॉर्मूला वही लोग यूज करना है, अग्रविकर्ण माइनस पश्चविकर्ण, तो डेल्टा इक्वल टू यहां हो जाएगा, देखो अग्रविकर्ण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का x प्लस 1 से इनटू माइनस x प्लस 1 से x माइनस 1 का इनटू, ठीक है, अग्रविकर्ण माइनस पश्चविकर्ण। अब आप इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व में देखो x प्लस 1 इधर भी है, x प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 1 कॉमन ले लिया, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इधर से, और दूसरी साइड से क्या बचा, माइनस एक्स माइनस 1, तो इस माइनस से ये x और अंदर का क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, तो x प्लस 1 ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस के 2, ठीक। अब इनका इनटू कर दो, जो भी इनटू करने पर आंसर आएगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, इसमें आपको आव्यूह दिया गया है, आव्यूह ए है 1, 2, 4, 2, और हमें सिद्ध करना है टू ए का सारणिक इक्वल टू होता है बेटा 4 और ए का सारणिक, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। इसका मतलब है पहले ए में 2 का इनटू करो और फिर उसका सारणिक निकालो, इसका मतलब है ए का सारणिक निकालो और उसमें 4 का इनटू करो, ये दोनों मान क्या है, समान है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखो बेटा, हम
2a निकाल लेते हैं, तो 2a निकाला हमने, क्या आ जाएगा 2, इसका मतलब है 2 का a के सभी अवयवों से इनटू है 1, 2, 4, 2, ये हो गया आपका 2, 4, 8, 4, ये किसका मान आ गया 2a का। अब हमें 2a का सारणिक निकालना है, तो 2a का सारणिक, 2a का सारणिक, अब इसको क्या करेंगे बेटा, हम सारणिक फॉर्मेट में लिखेंगे 2, 4, 8, 4, अब कौन क्या बन गया द्वितीय क्रम का सारणिक। अब द्वितीय क्रम का सारणिक आप जानते हो, अग्र विकर्ण माइनस पिछला विकर्ण, तो अग्र विकर्ण हो गया 4 × 2 = 8 माइनस 8 × 6 = 32, ठीक है, तो कैलकुलेट करने पर कितना आ गया बेटा माइनस के 24, तो किसका मान आया ये 2a सारणिक का मान आ गया, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो ये LHS था, अब RHS क्या ज्ञात करना, हमें सारणिक a ज्ञात करना और फिर 4 का इंटू करना है, तो सारणिक a को पहले लिख दो सारणिक के रूप में 1, 2, 4, 2, अग्र विकर्ण 2, पश्च विकर्ण माइनस के 4 × 2 = 8, ठीक है बेटा, तो कितना बच गया यहाँ पर माइनस के 6, किसका मान आ गया ये सारणिक a का मान आ गया, क्या करना है 4 का इंटू करना है, तो 4 × सारणिक a बराबर 4 × −6, तो 6 × 6 = 24 माइनस के, तो LHS इक्वल टू RHS, समझ में आ गया बेटा। 2a इसका मतलब है कि a में पहले 2 का इंटू करो और फिर उसका सारणिक निकालो, यहां दे रखा है पहले a का सारणिक है फिर उससे 4 का इंटू है, ठीक है, LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा बेटा आपको, एक आव्यूह है 1, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 4, ठीक है, कितने कोटि का है 3 कोटि का, अर्थात 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है ए, हमें सिद्ध करना है 3a इक्वल टू 27, ठीक है, तीन a का सारणिक इक्वल टू होता है 27 और इंटू a का सारणिक, ये हमें जैसे लास्ट क्वेश्चन था सेम उसी टाइप का है, तो सबसे पहले बेटा 3a तो 3 का इंटू कर देंगे बेटा पूरे से 1, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 4 इंटू किया आपने, क्या हो जाएगा 3, 0, 3, फिर दूसरी पंक्ति से इंटू किया 0, 3, 3 × 6, तीसरी पंक्ति से इंटू किया 0, 0, 4 × 12, ये आपका आ गया 3a कैलकुलेट कर लिया। अब हमें सारणिक निकालना है, तो 3a का सारणिक, तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले तो सारणिक के रूप में लिखेंगे 3, 0, 3, 0, 3, 6, 0, 0, 12, ये सारणिक का फॉर्मेट में हो गया। अब आपको सॉल्व करना है, ठीक है, पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसार कर देते हैं, तृतीय क्रम का सारणिक अगर हल करना है तो हमें क्या करते हैं उसका प्रसार करते हैं किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश, तो यहाँ पर लिख देंगे R1 के अनुदिश प्रसार, ठीक है, पहली पंक्ति के अनुदिश कर रहे हैं, तो 3, अब इसमें चिन्ह कैसे लगेंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, पहली पंक्ति है तो प्लस माइनस प्लस, अगर दूसरी पंक्ति होती तो क्या करते प्लस माइनस प्लस, और इसके लिए क्या आता माइनस प्लस माइनस आता, ठीक है, इसी टाइप से यहां प्लस माइनस प्लस आ जाता, तो यहां पहली पंक्ति के अनुदिश कर रहे हैं तो 3 के लिए क्या आएगा प्लस, अब इसका उपसारणिक लिख दो, उपसारणिक पहली पंक्ति में है ये और पहले स्तंभ में, तो इसको छोड़ दो और पहले स्तंभ को छोड़ दो, जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में अवयव विद्यमान है उसको छोड़ देते हैं, तो क्या बचा 3, 6, 0, 12, तो यहां पर लिख दिया 3, 6, 0, 12, ये इसका उपसारणिक हो गया। अगले के लिए आ जाओ माइनस 0, दूसरे अवयव के लिए क्या आएगा माइनस आएगा और 0 आएगा, अब कौन सी पंक्ति में, पहली में, कौन से स्तंभ में, दूसरे में, छोड़ दो, क्या बचा हमारे पास, इधर 0 बचा, इधर 6 बचा,
ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, तो नीचे बच गया 0 और 12। ठीक है, अब आ जाओ तीसरे में। तीसरे में क्या आएगा, प्लस, पहली पंक्ति को छोड़ दो, तीसरे स्तंभ को छोड़ दो, क्या बचा आपके पास, 0 3 0 0। ठीक है, अब सॉल्व कर दो। तो 3 का इंटू किससे करेंगे, 12 2 24, 12 3 36, माइनस 6 का 0 से किया 0, इधर बेटा 0 का जब इससे इंटू करेंगे तो सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया माइनस 0 प्लस 3, यहाँ बेटा 0 का इंटू किया 0 से 0, और 0 का 3 से किया क्या आ गया 0, तो 0 माइनस 0, तो ओवरऑल बेटा हम ये भी 0 हो जाएगा, 3 में से क्या करेंगे 0 से इंटू करेंगे, ख़त्म, ये भी 0 हो गया। 36 इंटू 3 किया 6 18 3 9 10, 108। तो हमारा 3A सारणिक कितना आया, 108। ठीक है, अब हमें RHS फाइंड आउट करना है। तो RHS क्या था, 27 इंटू A का सारणिक। तो हम सबसे पहले A का सारणिक ज्ञात करेंगे, 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ठीक है, सारणिक ज्ञात कर लिया, अब सारणिक फॉर्मेट में लिख दिया, अब इसको क्या करना है, प्रसार। तो R1 के अनुदिश प्रसार, प्रसार आप किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदिश कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये आ गया। अब एक का उपसारणिक लिखेंगे, और पहला क्या चिन्ह क्या आएगा इसका, प्लस, तो प्लस 1 और इसका उपसारणिक लिखो, पहली पंक्ति छोड़ दो, पहला स्तंभ छोड़ दो, क्या बचा आपके पास 1 2 0 4, दूसरे के लिए माइनस, क्या बचा 0 2 0 4। ठीक है, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दिया, 0 2 0 4, फिर प्लस का 1 पिछले वाले के लिए, तीसरा स्तंभ छोड़ दिया, पहली पंक्ति छोड़ दी, 0 1 0 0। ठीक है, अब कैलकुलेट कर दो, 1 तो इसका हो जाएगा बेटा 4 माइनस 0, ये 0 से जब इंटू करेंगे तो सारा कुछ 0 हो गया, इधर प्लस 1 इसका हो जाएगा 0 माइनस 0, ओवर ये भी 0 हो गया, यहाँ बचा सिर्फ आपके पास बेटा 4, क्या बचा 4, पीछे का तो सारा 0 ही हो गया। अब 27 इंटू सारणिक ए बराबर 27 इंटू 4। ठीक है, अब इंटू कर, तो 7 4 28, 4 2 8 और 2 10, 108। आगे बेटो मान सेम, तो LHS इक्वल टू RHS, यही हमें सिद्ध करना था कि 3A का सारणिक बराबर होता है 27 इंटू A का सारणिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए, इसमें 5th क्वेश्चन में 4 दे रखे हैं बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, फर्स्ट सारणिक दे रखा है आपको 3 माइनस 1 2 3 माइनस 1 2, फिर है 0 0 माइनस 1 0 0 माइनस 1, तीसरी पंक्ति है 0 3 माइनस 5 0 3 माइनस 5 0। अब इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो पंक्तियां कितनी है, 3, स्तंभ कितने 3, तृतीय क्रम का सारणिक है, तृतीय क्रम के सारणिक में किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदिश हम प्रसार कर सकते हैं, मान कैसा आएगा, सेम आएगा, अपरिवर्तित रहता है। अब जिस पंक्ति में सबसे ज्यादा शून्य दे रखे हों उसके अनुदिश हमें प्रसार करना है, प्रसार का मतलब एक ट्रिक है, आप किसी भी के भी अनुदिश प्रसार कर सकते हो, आंसर तो सेम आएगा, बट हम जिस पंक्ति में ज्यादा 0 दे रखे हैं उसके अनुसार प्रसार करेंगे तो कैलकुलेशन बच जाएगी, क्योंकि 0 इंटू 0 करने पर सारा कुछ 0 हो जाएगा, तो हमारी कैलकुलेशन क्या होती है, बच जाती है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जिस पंक्ति में ज्यादातर 0 हो उसी के अनुदिश प्रसार किया जाए। ठीक है, आप किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुसार इसका प्रसार या विस्तार कर सकते हो, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सबका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, परंतु कैलकुलेशन से बचने के लिए टाइम कंज्यूम कम हो इसलिए हम ये देखते हैं कि किस पंक्ति या स्तंभ में सबसे ज़्यादा 0 हैं, शून्य हैं। ठीक है,
उसके अनुदिश प्रसार करो, क्योंकि कैलकुलेशन क्या होगी, बच जाएगी, जीरो से इंटू करने पर तो सब जीरो हो जाएगा, तो कैलकुलेशन तो ही नहीं, तो हमें सिर्फ एक पार्ट का या दो पार्ट का हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब देखो, अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं आर टू के अनुदिश प्रसार, ठीक है, अब देखो जीरो सबसे पहला अवयव क्या है, जीरो, अब जीरो का उपसारणिक बनाओगे माइनस एक, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, दो नीचे क्या है माइनस का पांच और ये जीरो। पहले जीरो के लिए आपने क्या किया बेटा, उस पंक्ति को छोड़ दिया और उस स्तंभ को छोड़ दिया, माइनस एक दो माइनस पांच जीरो, उपसारणिक बना लिया और उसको लिख दिया। दूसरा जीरो उसके लिए प्लस का जीरो, इसके लिए माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस प्लस और इसके साथ क्या रहा है माइनस, तो अवयव से पहले हम चिन्ह लगाते हैं, माइनस जीरो यहाँ प्लस जीरो हो गया, उपसारणिक लिख दो इसका, उपसारणिक क्या जाएगा, दूसरी पंक्ति छोड़ दी, पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ छोड़ दिया, तो क्या बचा तीन दो तीन जीरो, ठीक है। अब लास्ट का, यहाँ बेटा माइनस प्लस और इसके लिए क्या आएगा माइनस, तो चिन्ह एक तो माइनस का और अवयव माइनस एक, ठीक है। अब इसका उपसारणिक, उपसारणिक देखो इस तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, दूसरी पंक्ति को छोड़ देंगे, क्या बचेगा तीन माइनस एक और नीचे तीन पांच माइनस, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करेंगे जीरो से इंटू हो रहा है तो सीधा जीरो, जीरो से इंटू हो रहा है सीधा जीरो, माइनस माइनस प्लस, यहां पांच दिया पंद्रह माइनस के, यहां माइनस और एक गुणनफल कितना आ रहा माइनस तीन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो गई, क्या बचा सिर्फ माइनस का भाग, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। आर टू के अनुदिश प्रसार किया क्योंकि हमें पता है जीरो से इंटू करेंगे तो ये जीरो जाएगा, इस जीरो से इंटू करेंगे जीरो जाए, सिर्फ हमें एक पार्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, किसकी, माइनस एक वाले भाग की, तो माइनस एक वाले भाग की कैलकुलेशन कर दी, ये आ गया, ठीक है। अब इसी का सेकंड है, तीन माइनस चार पांच, तीन माइनस चार पांच, फिर है एक एक माइनस दो, एक एक माइनस दो, दो तीन एक, दो तीन एक डेल्टा, इसको भी वही बेटा सेम ऊपर वाला। अब इसमें देखो जीरो का कोई साथ दिख नहीं रही, तो किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदिश हम क्या कर सकते हैं, प्रसार, तो आर वन के अनुदिश प्रसार करने पर, ठीक है, किसके अनुदिश, आर वन के, पहली पंक्ति, तो पहली पंक्ति में तीन, तीन का चिन्ह क्या आएगा प्लस, तो प्लस है ही हमारे पास, उपसारणी लिख दो, तीन कौन सी पंक्ति में, पहली में, और कौन से स्तंभ में, पहले में, इनको छोड़ दो, क्या बचेगा एक माइनस दो तीन एक, तो एक माइनस दो तीन एक, उपसारणिक लिख दिया इसका, माइनस दूसरे के लिए क्या आता है माइनस, अवयव क्या है हमारा माइनस का चार, उपसारणिक लिखो, दूसरी पहली पंक्ति में है दूसरे स्तंभ में, छोड़ दो, क्या बचा हमारे पास एक माइनस के दो, दो एक, उपसारणिक बन गया। प्लस अगले के लिए क्या आएगा बेटा, पांच के लिए प्लस का साइन आएगा, तो प्लस लिख दिया पांच, उपसारणिक पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है तो पहली पंक्ति छोड़ दो, तीसरा स्तंभ, क्या बचा एक एक दो तीन, एक एक दो तीन, ठीक है। अब कैलकुलेशन, तो तीन ये हो गया, एक इंटू एक करेंगे अग्रविकर्ण एक, माइनस पश्चविकर्ण कितना बेटा तीन दूनी छः, किसका माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का छः, इधर माइनस माइनस प्लस ये चार, अग्रविकर्ण एक ये भी हो जाएगा पश्चविकर्ण चार, इधर हो गया बेटा पांच, तीन एकम तीन माइनस के दो, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे छः और एक सात, तीन इंटू सात, तीन इंटू सात, इधर बेटा चार और एक पांच, तो प्लस चार इंटू पांच, प्लस यहां बचा तीन में से दो गए एक, एक इंटू पांच, तो पांच इंटू एक, अब हो गया सात या इक्कीस प्लस पांचों का बीस प्लस पांच,
तो टोटल मिला के कितने हो गए बेटा, 20 और 20 40, 41 और 5 40, तो टोटल मिला के आ गया इसका मान 40, 46, ठीक है, समझ में आ गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड। नेक्स्ट है, अब देखो नेक्स्ट बेटा पांचवें का थर्ड डेल्टा, ये भी सारणिक दे रखा है, 0 1 2, 0 1 2, फिर है -1 0 -3, -1 0 -3, फिर दे रखा है आपको -2 3 0, -2 3 0, ठीक है, प्रसार करना है, तृतीय क्रम का सारणिक है, ठीक है, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदिश कर लो, क्योंकि तीनों पंक्तियों में 1 1 0 है या 1 1 0 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदिश हम प्रसार कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसार 0, 0 का उपसारणिक लिखेंगे बेटा, पहली पंक्ति छोड़ दो, पहला स्तंभ छोड़ दो, 0 -3 3 0, ठीक है, एक के लिए चिन्ह कौन सा आएगा, एक के लिए माइनस का, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ना है, -1 -3 -2 0, प्लस 2, इसका उपसारणिक बनाएंगे, -1 0 -2 3, ठीक है, अब सॉल्व कर दो, अब 0 का इंटू किया बेटा तो क्या प्राप्त हुआ हमें, 0, -1 अग्र विकर्ण, 0 पश्च विकर्ण, माइनस, ठीक है, कितना गुणनफल आ रहा है इनका, 3 2 6, किसका, प्लस का, तो प्लस का 6 आ गया, प्लस 2 अग्र विकर्ण -3, पश्च विकर्ण कितना है, 0, तो ये आ जाएगा बेटा -6 और ये माइनस का, तो प्लस का 6, यहां बच गया 3 माइनस का और ये प्लस का 2, सॉरी, तो 3 इंटू करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, ये इससे कट गया तो कितना मान आ गया, 0, ठीक है, तो डेल्टा यानी सारणी का मान कितना आया, 0। अब फोर्थ है, चौथा, 2 -1 2 -1 2 -2, 0 2 -1, 0 2 -1, तीसरी पंक्ति है, 3 -5 0 -5 0, ठीक है, तो सेम बेटा इसी के जैसा है, आप इसे कर सकते हैं स्वयं, तो आप प्रैक्टिस के लिए इसे आप स्वयं कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, ए आव्यूह दे रखा बेटा 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9, 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, ठीक है, हमें ज्ञात करना है सारणिक ए, इसका सारणिक ज्ञात करना है, ठीक है, तो सारणिक ए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसको सारणिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, तो सारणिक फॉर्मेट 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9, ये आ गया आपका सारणिक रूप। अब प्रसार कर दो, किसी भी पंक्ति के अनुदेश हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रसार, तो यहां पर लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसार, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें आपको आव्यूह नहीं दिया था, डायरेक्ट ये दिया गया था, ठीक है, कि सारणिक का हल कीजिए, हमने हल कर दिया, यहां आव्यूह दिया गया है और आव्यूह कहा गया है साथ में कि सारणिक ए ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें इसका मान ज्ञात करना है। पहली पंक्ति के अनुदिश क्या कर देंगे बेटा, हम लिख देंगे 1 1 का उपसारणिक 1 -3 4 -9, फिर -1 2 -3 5 -9, फिर -2 2 1 5 4, ठीक है, देखो R1 के अनुदिश प्रसार किया, पहले अवयव के लिए चिन्ह कैसा आएगा, प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस, ठीक है, अब देखो पहले के लिए प्लस लगा दिया, अब उपसारणिक लिखेंगे, पहली पंक्ति छोड़ दी, पहला स्तंभ छोड़ दिया, क्या आ गया 1 -3, मतलब 1 -3 4 और -9, ये लिख दिया, फिर दूसरे अवयव के लिए माइनस का चिन्ह, उपसारणिक लिखेंगे, पहली पंक्ति छोड़ दो, दूसरा स्तंभ छोड़ दो, 2 -3 5 और -9, लिख दिया,
अब तीसरे के लिए, तीसरा अवयव के लिए क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है, परंतु इसमें माइनस दे रखा है, तो प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस दो। इसका उपसारणिक पहली पंक्ति छोड़ दो, तीसरा स्तंभ छोड़ दो, दो एक पांच चार, तो दो एक पांच चार। अब सॉल्व कर दो इसको, एक अग्रविकर्ण का इंटू किया, नौ का माइनस नौ, इसका किया बेटा माइनस, पश्चविकर्ण का गुणनफल कितना आ रहा है? माइनस बारह है, एक पहले से माइनस दे रखा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये बारह। यहां बेटा माइनस के नौ दोनी अट्ठारह, सेम इधर क्या करते हैं, माइनस का पिछले विकर्ण का गुणनफल, तो पिछले विकर्ण का गुणनफल कितना आ रहा है? माइनस पंद्रह है, और ये एक माइनस ये रहा, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस पंद्रह, माइनस नौ, ये हो जाएगा चार दूनी आठ माइनस के पांच। सॉल्व कर देंगे बेटा, बारह में से नौ गए, कितने बच गए? तीन, इधर अट्ठारह और ये पंद्रह, किसके बच गए बेटा? माइनस के तीन, और माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस का तीन। इधर बेटा आठ में से पांच गए, कितने बच गए? तीन, ठीक है, और तीन का इससे इंटू करेंगे तो माइनस के छः, तो तीन प्लस तीन छः, और ये माइनस छः, टोटल ओवरऑल जीरो। तो क्या आएगा बेटा इसका आंसर? जीरो। देखो क्वेश्चन नंबर सात दे रखा है बेटा, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, एक्स का मान ज्ञात करना है। आपको क्या दिया गया है? दो सारणिक दे रखे हैं, लेफ्ट में और एक राइट में, ठीक है, ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं, ठीक है। अब दोनों बराबर दे रखे हैं, इसका मतलब एक समीकरण रूप बन रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, और उसमें x एक अज्ञात राशि है, पक्षांतरण करके उसका मान निकाल देंगे। तो इसको सॉल्व किया, सबसे पहले कितना है द्वितीय क्रम का सारणी का बेटा? दो कोटि का, तो दो कोटि का सारणी को कैसे हल करते हैं? अग्रविकर्ण माइनस पश्चविकर्ण, तो अग्रविकर्ण हो जाएगा दो एकम दो, पश्चविकर्ण हो गया माइनस पांच चौका बीस, ठीक है। इधर आ जाओ, अग्रविकर्ण बेटा कितना है? दो एक्स, और एक्स का इंटू कर दिया टू एक्स स्क्वायर, पश्चविकर्ण कितना है बेटा? छः चौक चौबीस। यहां कितना बच गया? माइनस का अठारह, इधर हो गया दो एक्स स्क्वायर माइनस के चौबीस, चौबीस को इधर ले आओ, किसके हो जाएगा? प्लस का, तो जब इधर लाएंगे तो कितना बच जाएंगे बेटा? छः, तो माइनस अठारह प्लस चौबीस इक्वल टू दो एक्स स्क्वायर, ठीक। अब कितने बच गए यहाँ पर? चार, और ये दो छः, छः बच गए, इधर हो गया दो एक्स स्क्वायर, दो से ये कट गया, तो तीन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस के रूट तीन, ये एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था। इसी टाइप से इसका सेकंड है बेटा, सेकंड में देखो दे रखा है आपको, अब देखो बेटा इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, एक्स अज्ञात राशि है, उसको सेल्फ कैलकुलेट कर लेंगे, तो अग्रविकर्ण कितना हो गया बेटा? पाँच दुनी दस, माइनस पिछले विकर्ण का गुणनफल चार तिया बारह, इधर हो गया बेटा पाँच एक्स, इसका हो जाएगा माइनस के तीन दुनी छः एक्स, अग्रविकर्ण माइनस पश्चविकर्ण, दस माइनस दो कितना बच गया? माइनस के दो, इधर कितना बच गया बेटा? माइनस का एक्स बच गया, माइनस से माइनस कट गया, तो एक्स इक्वल टू दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? दो, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठ, वो भी सेम इसी टाइप का है, ठीक है, कहा गया है x दो अठारह, दो सारणिक दे रखे हैं, x दो अठारह x, फिर है छः दो अठारह छः, छः दो अठारह, ठीक है, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर आठ। अब इसे सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो देखो बेटा अग्रविकर्ण एक्स स्क्वायर, पश्चविकर्ण अठारह दुनी छत्तीस, बराबर छचंगा छत्तीस और माइनस के अठारह दुनी छत्तीस, ठीक है, तो ये तो कट गई, क्या बचा आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस छत्तीस इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू छत्तीस, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस छः, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में बेटा आठ ही क्वेश्चंस थे, सिंपल क्वेश्चन थे, जिसमें हमें क्या करना था? सारणिक का प्रसार ज्ञात करना था, या कह सकते हैं सारणिक का मान ज्ञात करना था, ठीक है। तो आठ क्वेश्चन थे जो सारे आपके करवा दिए, तो ये एक्सरसाइज आपकी हो गई फिनिश 4.1। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे बेटा इस सारणिक से संबंधित गुणधर्म और उन पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है, बहुत जल्द पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2। तब तक के लिए नमस्कार।